क्वेश्चन है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ थ्री पार्टिकल्स, तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि तीन पार्टिकल्स हैं आपके पास, ये पार्टिकल है एम वन, ये पार्टिकल है एम टू और ये पार्टिकल है एम थ्री, और इनके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता नहीं है, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, कुछ नहीं पता, पर इतना पता है कि कुछ तो कोऑर्डिनेट्स होते होंगे, वो जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनका सेंटर ऑफ मास ये है। मुझे नहीं पता कि क्या कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री होके सॉल्व करके आंसर इसके इक्वल आता है जो इसके अंदर आपको गिवन है, तो ये इसका आंसर है। लेकिन अब वो ये कह रहा है, वेयर शुड अ फोर्थ पार्टिकल ऑफ मास 4 kg बी पोजिशन, मेरे को अब तीन की जगह एक और मास लेके आना है ताकि सेंटर ऑफ मास अब इन चारों का क्या बन जाए, ये बन जाए, तो ये नया क्या बन गया, सेंटर ऑफ मास बन गया। तो वो पुराना सेंटर ऑफ मास है, ये नया सेंटर ऑफ मास है, वो तीन पार्टिकल का है, ये चार पार्टिकल का है, ये क्वेश्चन है। देखो एक काम कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, हम इस क्वेश्चन के अंदर हम ये मान लेते हैं कि ये तीनों के तीनों एक बॉडी है 6 किलो की, ठीक है, अब 6 kg की बॉडी अज्यूम कर लें, और जब मैं ये पूछूंगा कि चलो ठीक है, तो आपने तीनों को ऐड कर लिया, 6 kg की बॉडी बन गई, ये बॉडी के कोऑर्डिनेट्स कहाँ पर है, ये बॉडी पड़ी कहाँ हुई है, आप बोलेंगे वहाँ पड़ी हुई है, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर सारे का सारा मास पड़ा हुआ है, तो ऐसा अज्यूम करते हैं कि वो मास कहाँ पर पड़ा हुआ है, 3.3.3 पे, क्लियर है यहाँ तक, 6 kg की बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है, मैं यहाँ पर एक और बॉडी लेके आना चाहता हूँ 4 kg, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, z, जो मुझे निकालना है कि मैं कहाँ रखूँ इसे, मुझे निकालना है ताकि 6 और 4 का सेंटर ऑफ मास क्या बन जाए, 1.1.1, इसका मतलब क्या हुआ कि इनका सेंटर ऑफ मास ये आना चाहिए, क्योंकि 6 kg में तीन बॉडीज हैं, 3 + 1 चार बॉडी है, चार बॉडीज का सेंटर ऑफ मास ये आना चाहिए, ये क्वेश्चन है, तो कर लो फिर, यानी कि ये टू पार्टिकल सिस्टम हो गया, ये पार्टिकल, ये एक पार्टिकल, ये m1 और ये m2 है, तो आपको ये कोऑर्डिनेट्स पता हैं और आपको सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स भी पता हैं कि सेंटर ऑफ मास के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो हम इसमें ये करेंगे, x जो नया सेंटर ऑफ मास है, नया सेंटर ऑफ मास जो कि 1 है, इज 6 × 3 + 4 × x डिवाइडेड बाई 6 + 4, फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर है यहां तक, जो नया सेंटर ऑफ मास है y का 1 = 6 × 3 अगेन प्लस 4 × y डिवाइडेड बाई 6 + 4, ये रहा राइट, और ऐसी जो z कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का, वो 6 × और जो कि 1 है, 6 × 3 + 4 × z बाय 6 + 4, सॉल्व कर लो, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा, चेक कर लो एक्स वाई जेड की आंसर आ रहा है, मेथड समझ में आ रहा है कि क्या कर रहे हैं इसमें, तो इसके अंदर तीन, सर आप एक बार सर एक्सप्लेन कर सकते हो सर प्लीज, मैंने ये समझाया कि ये तीन बॉडीज हैं, इन तीन बॉडीज का सेंटर ऑफ मास इसके इक्वल है, 4 kg को मैं कहाँ प्लेस करूँ ताकि नया सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ जाए, तो मैंने इन तीनों को ऐड करके 6 kg बना लिया, और जब ये बात हुई कि 6 kg पड़ा कहाँ पर हुआ है, तो मैंने बोला यहाँ पे पड़ा हुआ है क्योंकि इनका सेंटर ऑफ मास है, और सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर सारा मास पड़ा होता है, तो ये 6 kg यहाँ पर पड़ा हुआ है, फिर 4 kg को मैं लेके आया जिसका ये नया कोऑर्डिनेट है ताकि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास ये बन जाए, तो इनका सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे हैं, 6 × 3 + 4 × x / 6 + 4, ये रहा, और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1, फिर अगला निकाला 6 × 3 + 4 × y / 6 + 4 = 1, और ऐसे फिर z का निकाल दिया, यहाँ से सॉल्व करके x y z की वैल्यू आ गई, क्लियर है, ठीक। इससे जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है अभी हमने नहीं करना, ये वाला क्वेश्चन ये आज के लेक्चर के बाद होगा, इसके अलावा और कोई डाउट है तो क्वेश्चन नंबर बोल दो, इसके अलावा अगर कोई पूछता है तो, अब बाकी नॉर्मल है सारे।